सो फ्रेज वेलकम टू क्रप्टो दो इंस्टोर पॉल्यूशन अगला जो मैंने कॉन्न पिकअप किया दट इज एटम इसका जो नेम है दट इज कॉसमासंड इसका जो टिकट है दट इस एटी ओ एम आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन थर्टीथ ऑफ नवंबर उस समय जो प्राइस चला है दट इज अबाउट नाइन पॉइंट एट वन डॉलर के आसपास एंड उस समय जो मार्केट कप है दट इज एट अबाउट सिक्स थ्री पॉइंट सिक्स बिलियन डॉलर्स विच इविंग अ रैंक ऑफ ट्वेंटी थ्री तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्राइस है दैट इट अबाउट नाइन पॉइंट एड डॉलर्स एंड राइट नाउ इट इज ट्रेंडिंग एट अ रेजिटेंस तो हल्का फुल्का ट्रेडिंग वालीम कम होता नजर आ रहा है ऑन डेली टाइम फ्रीम एंड यू कैन सी अगर वॉल्यूम बढ़ता है दैन इट कैन ब्रेक द रेजिस्टेंस, लेकिन एज ऑफ नो ऐसा नज़र आ रहा है कि इट कैन नॉट ब्रेक द रेजिस्टेंस एंड इट कैन रिजेक्ट फ्रॉम द रेजिस्टेंस ओवर ईयर तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बाय करना है पर्टिकुलर एटू कम दैन यू कैन परचेज एट अ बाइंग प्राइस एट अबाउट एट पॉइंट टू डॉलर्स अगर आपको नेक्स्ट एंट्री लगानी है देन यू कैन पुट अ नेक्स्ट एंट्री एट अबाउट सेवन पॉइंट थ्री डॉलर्स एंड उसके बाद जो फाइनल टारगेट रहेगा आपका सिक्स पॉइंट वन के आसपास तो आप इस तरह से एवरेज आउट करके इसको बाई कर सकते हैं नॉट एट द मार्केट प्राइस बट एट एट पॉइंट टू सेवन पॉइंट थ्री एंड सिक्स पॉइंट वन फोर के आसपास सो दैट इज द एवरेज बाइंग प्राइस ओवर ईयर दैट इज एट अबाउट सेवन पॉइंट थ्री डॉलर्स सो अगर आप यहाँ पे बाय करते एवरेज आउट करके तीनों एंट्रीज आपकी फिल होती है देन आपका पॉसिबल प्रॉफिट रहेगा एट द फर्स्ट रेजिस्टेंस एट अबाउट थर्टी एट परसेंटेज के आसपास अगर आपका अगला रेजिस्टेंस हिट होता है आफ्टर गेटिंग ऑल द इंट्रीज फिल्ड तो आपका अगला टारगेट हो सकता है विच कैन मेक यू प्रॉफिट ऑफ सेवेंटी सेवन परसेंटेज के आसपास ठीक है तो अगर वॉल्यूम अच्छी आती है अगर ट्रेड मेन्टेन रहता है देन अपसाइड कैन भी एट अबाउट थर्टीन पॉइंट टू डॉलर्स एंड नेक्स्ट टारगेट कैन भी एट अबाउट फिफ्टीन पॉइंट थ्री डॉलर्स के आसपास ठीक है सो दैट इज द प्राइस अपडेट ऑन एटम कॉइन